हेलो, आज हम लीड रेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि लीड रेटिंग सिस्टम क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे एक्चुअली अभी ये रन कर रहा है, ठीक है, इससे क्या फ़ायदे हैं। तो लीड का देखिए फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, ठीक। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम ये होता है, किसको दिया जाता है, तो ग्रीन बिल्डिंग जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, हेल्दी यानी ह्यूमन एज वेल एज जो भी आपके सराउंडेड जो भी एनिमल बीइंग वगैरह हैं जो है उनके लिए भी हेल्दी होना चाहिए। हाईली इफिशियंट मीन्स कि जो इसको पावर जनरेशन या पावर सेविंग जो है वो हाई होना चाहिए, कॉस्ट सेविंग बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक ग्रीन बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट हैं। जैसा कि पहले पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि ग्रीन बिल्डिंग के बारे में, ग्रीन आर्किटेक्चर, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन किसके लिए था, एनर्जी कंजर्वेशन उस बिल्डिंग के लिए था जो ऑलरेडी बन चुके थे, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थे, ठीक है। अब उस बिल्डिंग में हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बन चुका है, उसमें अगर मेजर मॉडिफिकेशन अगर हम करते हैं, ठीक, तो पूरा का पूरा बिल्डिंग क्या होगा, डिमोलिश करना पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल लॉस होगा, ठीक है। तो अगर हमको एनर्जी कंजर्वेशन करना है, एनर्जी सेविंग करना है, तो उसमें कुछ एनर्जी सेव करने वाले अप्लाइंसेस को वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक, या फिर कुछ छोटे मोटे जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए वेंटिलेशन सिस्टम जो इम्प्रूव कर देना, ठीक, लाइटिंग सिस्टम को जो है थोड़ा और बढ़ा देना, यानी जो सोलर रेडिएशन है उसको ज़्यादा ज़्यादा यूज करना, ठीक है, पैसिव सोलर सिस्टम को यूज करना, ये सभी चीज़ क्या है इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक। तो बेसिकली अगर लीड की अगर हम बात करें तो लीड रेटिंग सिस्टम क्या है, ये आपकी बिल्डिंग को सर्टिफाइड करता है, ये एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि आपकी बिल्डिंग जो है कितने अमाउंट एनर्जी सेव करता है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ मेजर जो है पॉइंट्स को हम आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक। तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है इसको रेटिंग दिया जाता है कि कितने अमाउंट आपका बिल्डिंग जो है एनर्जी सेव कर रहा है, ठीक। तो एनर्जी सर्टिफिकेशन में क्या है, इसमें देखिए चार कैटेगरी हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप स्कोर करते हैं 40% या उससे अबव, तो सिर्फ आपको सर्टिफाइड कर दे, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि हाँ आप जो है एनर्जी सेव करते हैं, ठीक। और अगर आप जो है 50% से अबव अगर आप स्कोर करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है सिल्वर का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद 60 से अबव आपका जो है गोल्ड होगा, ठीक है, 80 प्लस आपका है तो आपको प्लेटिनियम सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक। तो ये बेसिकली देखिए लीड अगर हम बात करें तो लीड जो है एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो हाईली पॉपुलर है, कहाँ पर, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे आपका यूनाइटेड स्टेट हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है। तो ये सब जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे जो है ये लीड रेटिंग सिस्टम हाईली अप्लाई है, ठीक। मोस्टली लीड रेटिंग सिस्टम जो है यूनाइटेड स्टेट ने इसको बनाया था, ठीक है। तो देखिए अभी अभी उसी की एक संस्था है USGBC यानी यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, उसी की तर्ज पे जो है इंडिया में बनाया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है। तो पहली बात यह कि लीड रेटिंग सिस्टम क्या के क्यों ये इंट्रोड्यूस हुआ, लीड रेटिंग सिस्टम एक सर्टिफिकेशन कोर्स, ठीक है, ये उन बिल्डिंग को सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, जो एनर्जी को कंजर्व करते हैं, जो एनर्जी को बचाते हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज करते हैं, रिसाइकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक, और भी जो ऑर्गेनिक मैटर हैं उनसे जो है हीट इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक, प्रॉपर हीट इंसुलेशन, सोलर पैसिव एनर्जी का यूटिलाइजेशन, ठीक है, इन सभी चीज़ों को, यानी टोटली कह लीजिए कि आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एनर्जी को सेव करेंगे, जितना ज़्यादा आप एनर्जी सेव करेंगे उतनी ज़्यादा आप स्कोर गेन करेंगे, ठीक है। तो लीड रेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में या बिल्डिंग में अप्लाई होते हैं, जैसे कि आपका इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, कमर्शियल प्लाट हो गए, फ्लैट हो गए, ठीक है,
और भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उन सबको जो है लीड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो लीड जान लीजिए, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिज़ाइन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग ये प्रोवाइड करता है। अब देखिए ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग में, देखिए आपको पहले ही बोले थे कि जो एनर्जी कंजर्विंग बिल्डिंग है वो, उसके बाद ग्रीन आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग। तो ग्रीन आर्किटेक्चर में हम पहले बताए थे कि आप क्या करेंगे, अगर आपको पहले ही ये कर लिए हैं कि हमको जो है ग्रीन बिल्डिंग ही बनाना है, तो ग्रीन बिल्डिंग बनाने से पहले ग्रीन आर्किटेक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है या उसको बनवाना पड़ता है। ठीक, तो ग्रीन आर्किटेक्चर के बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ था। ग्रीन आर्किटेक्चर क्या है, ये एक लेआउट बनाता है, एक प्लान बनाता है, ठीक है, उस ग्रीन बिल्डिंग का। ठीक है, इसमें पूरे टेक्निकल पॉइंट्स को जो है कंसीडर करते हुए आपका जो जो भी आपका बिल्डिंग है या इंडिविजुअल हाउस होल्ड है उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर होगा जो ग्रीन बिल्डिंग में उसको जो है हाईली एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके बिल्डिंग को डिजाइन करेगा टेक्निकली। ठीक, लीड रेटिंग सिस्टम फॉर ग्रीन बिल्डिंग, तो लीड रेटिंग सिस्टम पहले ही बोले हैं कि इट इज़ पॉपुलर फॉर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन विच इज़ डेवलप्ड बाई USGBC, यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, अब इसी देखिए, ये जो काउंसिल ये यूनाइटेड स्टेट का है उसी के आधार पे जो है इंडिया में भी बना है IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, लेकिन देखिए इंडिया में एक्चुअली में क्या है, ये पॉपुलर नहीं है सर्टिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम लोग कंट्री क्या है, अभी डेवलपिंग है। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग अभी अपने मूलभूत ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, अभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए आगे जो है आपको, अगर आगे भी डिस्कशन होगा, ठीक है, आगे डिस्कशन होगा कि कार्बन क्रेडिट के बारे में। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। अभी देखिए लीड रेटिंग सिस्टम को देखिए कि ये क्या है ये भी हम जो है सर्टिफिकेशन दे रहे हैं किन बिल्डिंग को, ऐसे बिल्डिंग जो एनर्जी को कंजर्व करते हैं, एनर्जी को सेव करते हैं, ठीक, या फिर ऐसे लोग जो एनर्जी को ध्यान में रखते हुए, एनर्जी कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए अपने बिल्डिंग को बनाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी हम बताए थे कि अगर आपका बिल्डिंग एनर्जी कंजर्विंग वाला है, मतलब ऑलरेडी ऐसे बिल्डिंग जो ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर नहीं बना था लेकिन बाद में आपने उसको मॉडिफाई करके जो है ग्रीन बिल्डिंग में बनाया, ठीक है, तो एनर्जी कंजर्विंग बिल्डिंग जो है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, उसमें देखिए आप प्लेटिनम नहीं पा पाएंगे, प्लेटिनम सर्टिफिकेट उसको मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि आपका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन तो हो चुका है, आपको जो भी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेड वाला जो भी आपको यूज करना था ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, तो जो एनर्जी कंजर्विंग बिल्डिंग है आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड तक ही जा पाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें आपका इनिशियल कॉस्ट जो है लग जाएगा। ठीक, दिक्कत ये है कि अब देखिए प्लेटिनम को चाहिए, तो अगर आप ऑलरेडी सोच के ही जो आपने पहले ग्रीन आर्किटेक्चर प्रिपेयर किया, फिर ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपने पूरे बिल्डिंग को जो है आपने इस्टेब्लिश किया, तो आप प्लेटिनम आप जो है स्कोर कर लेंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर में पहले ही ये सोच ही लिया जाता है, पहले ही प्लानिंग कर लिया जाता है कि हमको जो है हाई स्कोर लेने के लिए किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा, तो उन सभी पॉइंट्स को फुलफिल करते हुए जो है आप अपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो जब इतना आप प्रॉपर केयर करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपको प्लेटिनम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो एनर्जी कंजर्विंग बिल्डिंग है मोस्टली वो प्लेटिनम स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है इको फ्रेंडली मटेरियल यूज नहीं किए रहते हैं। ठीक है, तो देखिए लीड सर्टिफिकेशन में देखिए कि सिर्फ सर्टिफिकेट कब दिया जाएगा, कि अगर कोई बिल्डिंग स्कोर करता है मोर देन 40%, ठीक है, या फिर 40% to 49%, ठीक, तो उसको सिर्फ जो है लीड सर्टिफिकेशन दे दिया जाएगा कि आप सर्टिफाइड हैं, आप एनर्जी को कंजर्व करते हैं। ठीक है, सिल्वर के लिए क्या है कि अगर वो 50% से ज़्यादा अगर वो स्कोर करता है या 50 to 59 के बीच में उसका वो अगर लाइक करता है तो सिल्वर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। गोल्ड सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्या है कि 60% ज़्यादा आप स्कोर जो है अर्न करना पड़ेगा, या फिर अगर आपका स्कोर 60% से लेके 79% के बीच में है तो आपको गोल्ड सर्टिफिकेशन जो है आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए प्लेटिनम के लिए,
प्लेटिनम के लिए आपको क्या है, स्कोर मोर देन 80% आपको करना है, ठीक है। अब आपका 100% रहे तो भी आपको प्लेटिनम मिलेगा, या 80% है तब भी जो है आपको प्लेटिनम का ही जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। बेसिकली देखिए, ये आपको जो है अमेरिका में है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में जो है ये आपको लागू रहता है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगर जो भी बिल्डिंग जो है लीड सर्टिफाइड नहीं रहता है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स देना पड़ता है, ठीक। तो ये देखिए, लीड सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो भी डेवलप्ड नेशन है उनको ये लीड सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, जो भी वहाँ पे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, ठीक है। ये डेवलपिंग नेशन में भी है लेकिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये लीड सर्टिफिकेशन आपका जो है ये पूरा है, ठीक। तो लीड सर्टिफिकेशन क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। लीड सर्टिफिकेशन किन बिल्डिंग को दिया जाता है, ऐसे बिल्डिंग जो एनर्जी को कंजर्व करते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन किए थे कि एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका बिल्डिंग ऑलरेडी आप कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन या फिर ग्रीन बिल्डिंग पे हम आपका जो है उसको मॉडिफाई कर दें, तो कुछ इसमें आपको माइनर और कुछ मेजर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ था, आप देख लीजिएगा, ठीक। ग्रीन आर्किटेक्चर के बारे में अच्छा खासा यहाँ डिस्कशन हुआ था कि ग्रीन आर्किटेक्चर करने के लिए क्या चाहिए आपको। पहले आपको जो है जो भी मटेरियल है वो रिन्यूएबल होना चाहिए, रिसाइकल मटेरियल यूज करिए, ठीक है। रिसाइकल मटेरियल मतलब CND वेस्ट यूज़ करिए, ठीक है, और भी ऐसे मटेरियल जो इजीली लोकली अवेलेबल हों, ठीक। आपको साइट पे ऐसे प्रॉपर कंडीशन को या फिर ऐसे इन्वायरमेंट को मैनेज करना है ताकि कोई भी एटमॉस्फेयर में जो है एयर पोल्यूशन ना हो, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या है, एयर पोल्यूशन ना हो, इन सभी का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। ग्रीन बिल्डिंग जब बनता है तो ग्रीन बिल्डिंग ऑलरेडी ये सोच के बनाया जाता है कि हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे, हम टोटली जो भी एनर्जी यूज करेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होगा, यानी सोलर पावर को हम उसमें प्रीफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीड सर्टिफिकेशन। लीड में देखिए बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, अभी देखिए डिस्कशन होगा, ठीक है, कि जो भी इसमें किन किन पॉइंट्स पे करते हैं, फिर किन किन बिल्डिंग्स में इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है।